सुनील भराला साहब, इतना न छिपाते तो इतनी लोगों को उत्सुकता भी ना होती। हर कदम पर आपकी पुलिस, आपके प्रशासन ने जिस तरह से मामले की लीपापोती की, आज सवाल ये पूछा जा रहा है कि बिना क्या सरकार के गो अहेड के ये सब कर रहे थे? आज आप दर्द सोचिए उस परिवार का, अंतिम संस्कार तक हल्दी तक मां नहीं लगा पाई और वहां पर जाकर उस बच्ची की अस्थियां आज उनको उस खेत से उठानी पड़ रही हैं, परिवार को चुनना पड़ रहा है। भराला साहब, अंजना जी, आप इससे कल्पना कीजिए और उस दर्द की भी कल्पना कीजिए, उस पीड़ा को भी कल्पना कीजिए, उस दर्द को महसूस आप कर रही होंगी कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने कल ट्विटर पे कहा है, आपने उसको तत्काल ब्रेकिंग में लिया भी था, और उन्होंने ये कहा कि उस जो बलात्कारी हैं, जो दुराचारी हैं, षड्यंत्रकारी हैं, उनका जो समूल नाश निश्चित है। और देखो, देश के अंदर उसका एक उदाहरण बनेगा और देश में मिसाल दी जाएगी, देश में मिसाल दी जाएगी। तो आप थोड़ा सा धैर्य और संयम के साथ, हम बिल्कुल आपकी पीड़ा और आपका दर्द जितना है, हमारे अंदर भी उससे कई गुना दर्द है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ज्यादा दर्द है, गुस्सा है उनके अंदर भी इस बात को लेकर के जिस प्रकार से ये घटना घटित हुई है, और उसके साथ ही उन्होंने SIT की कमेटी को गठित किया, तत्काल एजेंसी भेजी गई, वहां काम कर रही है, उसके साथ में DGP और प्रमुख सचिव गृह दोनों अधिकारियों को भेजा गया। सर, आपको टोक रही हूं, एक सेकंड। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पुलिस और प्रशासन आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ करता रहा, क्या किसी को सरकार में खबर ही नहीं थी कि आधी रात में उसकी बॉडी जलाई जा रही है, परिवार को अंतिम संस्कार करने का वक्त नहीं दिया जा रहा है? आप DM के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, DM का वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि सिर्फ पुलिस वालों को टारगेट करते हैं, जबकि फैसला DM ले रहा था, तो DM पर ऐसी मेहरबानी क्यों है? इसकी वजह पूछी जाएगी ना सरकार से। और ये जो नार्को टेस्ट हो रहा है, नार्को टेस्ट में क्या लीपापोती का भी टेस्ट आ जाता है, उसका भी रिजल्ट आ जाता है क्या सर? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि आधी रात के बाद परिवार को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर नहीं करना चाहिए था, परंतु जिला अधिकारी ने जो उसका उल्लेख किया है कि परिवार से वार्ता हुई है, परिवार के लोग नहीं पहुंचे, उनके परिवार के पहुंचे, यानी कि माता पिता नहीं तो उनके परिवार के और अन्य लोग पहुंचे, ये बातें तो आई है। और उस जब ये सब चीजें बात आई है, तभी इस पर घटना पर एक्शन हुआ, SP को सस्पेंड किया गया, DSP को सस्पेंड किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसके साथ में वो सारी चीजें करते हुए उन्होंने एक एक बात को उसको संज्ञान लिया नीचे भी, और उन्होंने सब कार्रवाई करने के लिए ये इस प्रकार से कहा कि ये कार्रवाई होगी, कार्रवाई को कोई रोक नहीं सकता किसी प्रकार से। आप बिल्कुल इस बात से संतोष करिए, और 7 दिन का समय पूरी जांच को लेकर के जो इस समय है, वो जांच आएगी और उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, कोई रोक नहीं। जो जिस प्रकार की राजनीति का एक षड्यंत्र चल रहा है, मैं कह रहा हूं कि वो उस बच्ची के साथ, उस बिटिया के साथ, भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश और माननीय मुख्यमंत्री, सारी सरकार उस पीड़ा के साथ है, उसमें कोई संदेह नहीं कि उसके साथ नहीं है। हम निश्चित रूप से कह रहे हैं कि उस पर न्याय होगा, उसका न्याय मिल रहा है, उसको पूरे परिवार की हर सारी चिंता उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री कर रहे हैं।